हेलो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। वेल्डिंग को किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वेल्डिंग करने के लिए मतलब किन्हीं भी दो जॉब को या ऑब्जेक्ट्स को या मेटल्स को जोड़ने के लिए हमको उस मेटल को मेल्ट करना पड़ता है, और फिलर मेटल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको भी मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करना पड़ता है मतलब मेटल को या जॉब को हमको गलाना पड़ता है। तो मेटल को गलाने के लिए या जॉब को गलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना हीट के हम मेटल को मेल्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर मेटल को या फिलर मेटल को अगर मेल्ट नहीं करेंगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो वेल्डिंग करने के लिए हमको बेस मेटल को या पेरेंट मेटल को या जॉब को मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करके उसको आपस में जोड़ा जाता है, जॉब को मेल्ट करना पड़ता है। अगर फिलर मेटल या फिलर रॉड को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसको भी मेल्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी मेटल को या फिलर मेटल को मेल्ट करने के लिए या गलाने के लिए हमको हीट की आवश्यकता होती है। हीट माने ऊष्मा, मतलब हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हीट से क्या करते हैं, मेटल को गलाते हैं। हीट से मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है। जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है मेटल को गलाने के लिए, उतनी हीट हमको देनी पड़ती है। तो बिना हीट सप्लाई किए हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे होगा कि जो हमारा हीट सोर्स है, हीट सोर्स का मतलब कि हम हीट कहाँ से ले रहे हैं। हीट हमको कहाँ से मिल रही है, हमारा हीट का सोर्स क्या है, इस बेसिस पे हम लोग वेल्डिंग को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हीट सोर्स के अकॉर्डिंग हम वेल्डिंग को मेन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है गैस वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा है अदर वेल्डिंग प्रोसेस। जो इन दोनों वेल्डिंग प्रोसेस के अलावा जो प्रोसेस होंगी उनको हम लोग लेते हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस में। तो हीट सोर्स समझ गए ना कि वेल्डिंग करने के लिए हमको जो भी जिन जॉब को या मेटल को या पेरेंट मेटल को या बेस मेटल को जोड़ना है, वेल्डिंग करना है, उनको हमको मेल्ट करना पड़ेगा, फ्यूज करना पड़ेगा। अगर फिलर मेटल एडिशनली यूज कर रहे हैं, अलग से फिलर मेटल यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हमको मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब गलाना पड़ेगा। और मेटल को मेल्ट करने के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट मतलब ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी। और वो हीट हमको कहाँ से मिलेगी, उसका सोर्स क्या होगा, इस बेसिस पे हम वेल्डिंग को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा गैस वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा अदर वेल्डिंग प्रोसेस, जो इनके अलावा वेल्डिंग प्रोसेस होगी। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस जो होगी उसमें हमारा हीट सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस जो भी होंगी उसमें हम लोग हीट सोर्स, एज ए हीट सोर्स क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो जिस भी वेल्डिंग में हमको इलेक्ट्रिसिटी यूज, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एज ए हीट सोर्स, वो वेल्डिंग प्रोसेस कहलाएगी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, और किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो यहाँ पे हमारा जो हीट सोर्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। दूसरा हो गया गैस वेल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे जो हमारा हीट सोर्स होगा वो एक होगी गैस फ्लेम, एक गैस का हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग बर्न करेंगे। बर्न करके जो फ्लेमेबल गैस होगी, मतलब जो ज्वलनशील गैस होगी, उसको हम लोग बर्न करके एक गैस फ्लेम
मेंटेन करेंगे, गैस फ्लेम बनाएंगे, उस गैस फ्लेम से हम लोग मेटल को वेल्ड करके वेल्डिंग करेंगे। तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा हीट सोर्स क्या होगा, एक गैस फ्लेम। गैस फ्लेम का मतलब कि किसी जो फ्लेमेबल गैस होगी, जो ज्वलनशील गैस होगी, उसको हम बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, और एक प्रॉपर गैस फ्लेम, फ्लेम का मतलब ज्वाला, जिसे खाना बनाते हैं गैस पे जो फ्लेम बनती है, उसी टाइप में हम लोग गैस फ्लेम बना के, प्रॉपर गैस फ्लेम बना के जो रिक्वायर्ड होगा, उस गैस फ्लेम का यूज करके हम लोग मेटल को मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, अगर फिलर मेटल यूज हो रहा है तो उसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में जो हीट सोर्स है वो क्या होगा, गैस फ्लेम। और फ्लेम कहाँ से जनरेट होगी, एक फ्लेमेबल गैस को हम लोग बर्न करेंगे। तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस से समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें जो हीट सोर्स होता है वो एक गैस फ्लेम होती है, और जो ये गैस होती है वो फ्लेमेबल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिलीन हो गई, एयर हो गई, एलपीजी हो गई। तो ये गैस वेल्डिंग आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस भी होती हैं जिनमें हीट सोर्स ना तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना ही गैस फ्लेम, कोई दूसरा हीट सोर्स होता है। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस। इस प्रोसेस में ना ही इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट सोर्स यूज होती है, और ना ही गैस फ्लेम, कोई दूसरा हीट सोर्स, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और कोई प्रोसेस। तो इस अदर वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स ना गैस फ्लेम होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोई दूसरा सोर्स होता है। तो ये हो गया हीट सोर्स के बेसिस पे तीन प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेसेस हम लोग देखते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा हो गया गैस वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा अदर वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में जो हीट सोर्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स एक गैस फ्लेम होगी, और वो जो गैस होगी वो फ्लेमेबल होगी। फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील, जो जले, जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एयर, एलपीजी, कोल गैस, ये सब क्या है, फ्लेमेबल गैस है, जो जलती हैं, ज्वलनशील होती हैं। और ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हीट सोर्स ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना ही गैस फ्लेम, कोई दूसरा ही हीट सोर्स होता है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिनको बोलते हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेस। कई तरह की होती हैं वेल्डिंग प्रोसेस, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हीट सोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग करने के लिए हमको जिस भी चीज़ की वेल्डिंग करनी है, जिस भी जॉब की वेल्डिंग करनी है, जिस भी मेटल की वेल्डिंग करनी है, जिस भी मटेरियल की वेल्डिंग करनी है, उसको हमको मेल्ट करना पड़ता है। और अगर कोई फिलर मेटल यूज कर रहे हैं तो उसको भी मेल्ट करना पड़ता है। और मेल्ट करने के लिए, मतलब गलाने के लिए, हमको चाहिए हीट। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही गल जाएगा मेटल, ऐसे ही नहीं गलेगा, उसको हीट देना पड़ेगा। हीट दे के उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए और वो मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट करने के लिए हमको हीट चाहिए, और हीट हमको कहाँ मिलेगी, हीट का सोर्स क्या होगा, उस हिसाब से तीन तरह की हमने वेल्डिंग प्रोसेस समझी। एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस होगी, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, और इन दोनों के अलावा अदर वेल्डिंग प्रोसेस, ये कई तरह की हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में हमको हीट कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे हीट जनरेट करने के लिए। गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हीट कहाँ से मिलेगी हमको, गैस फ्लेम से, मतलब गैस फ्लेम का यूज करके हम लोग हीट जनरेट करेंगे, उस हीट के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करेंगे। अदर वेल्डिंग प्रोसेस में कोई दूसरा ही हीट सोर्स होगा, ना इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी हीट सोर्स होगा, ना गैस फ्लेम हीट सोर्स होगी, कोई दूसरी चीज ही हीट सोर्स होगी। तो आगे डिटेल पढ़ेंगे, अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस में अलग अलग हीट सोर्स होगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हीट सोर्स के हिसाब से तीन प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेस हुई।
अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, जो पहला था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस कितने प्रकार की हो सकती है। तो सिंपल ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे एज अ हीट सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी इस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होगी, और वो किस लिए यूज होगी? एज अ हीट सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? हीट जनरेट करेगी, उसी हीट से हम लोग मेटल को मेल्ट करके या फ्यूज करके वेल्डिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, मतलब इसमें हीट सोर्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हमको हीट मिलेगी, और वो किस फॉर्म में मिलेगी? आर्क के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम आर्क जनरेट करेंगे, और वो आर्क क्या करेगी? हमको हीट प्रोवाइड कराएगी, हीट हमको देगी, उस हीट से हम लोग मेटल को वेल्ड करेंगे, मेटल को गलाएंगे, फ्यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट सोर्स यूज होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग आर्क बनाएंगे, और उस आर्क से हम लोग मेटल को मेल्ट करके वेल्डिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और इस उस इलेक्ट्रिसिटी से आर्क बनाएंगे। दूसरी प्रोसेस होगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, इन सबको भी हम डिटेल में आगे अच्छे से खूब पढ़ेंगे, यहाँ केवल क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस कितने प्रकार की हो सकती है। पहला हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस जितनी भी होंगी उसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। ठीक है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में करेंगे, मेटल को वेल्ड करने के लिए या फ्यूज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से आर्क बनाएंगे, और उस आर्क से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करेंगे? इस वेल्डिंग में आर्क नहीं बनाएंगे हम लोग, इस वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क का फॉर्मेशन नहीं होता है, रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। एक फार्मूला होता है, अगर किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस आर है और अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस में जो हीट जनरेट होगी वो होगी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अभी ये फार्मूला बताएंगे आपको आगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ अभी केवल क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, अगर कोई सर्किट है उसमें कोई रेजिस्टेंस है आर, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मेटल है या कुछ भी है, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस आर है, अगर उस सर्किट में आई करंट बह रही है और ये आई करंट टी समय के लिए बहती है, तो उस रेजिस्टेंस में जो हीट जनरेट होगी वो होगी आई स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वेलेंट। यहाँ समझ लीजिए एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ आर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है, आई क्या है उस सर्किट में बहने वाली करंट, टी क्या है कितने समय के लिए करंट बह रही है। तो अगर किसी सर्किट में, मान लीजिए कोई सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये इसमें करंट बह रही है आई, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इस रेजिस्टेंस में जो हीट जनरेट होगी वो होगी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये अभी डिटेल में आगे बताएंगे, यहाँ जनरल समझ लीजिए, जो इस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी वो इक्वल टू होगी आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस में करंट बह रही है, इस रेजिस्टेंस में करंट बहने के कारण, इस रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो होने के कारण इस रेजिस्टेंस में एक हीट जनरेट होती है, और उसी रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस में जनरेट हुई हीट का यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग करने में। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस में उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के कारण जो हीट जनरेट होगी उस हीट का यूज करेंगे वेल्डिंग करने में।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और मटेरियल का रेजिस्टेंस यूज होगा। मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो उस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी, उस हीट का यूज हम वेल्डिंग करने में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में मटेरियल के रेजिस्टेंस का यूज होता है वेल्डिंग करने के लिए। मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण जब उसमें करंट बहती है तो मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण उस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है, उसी हीट का यूज हम लोग एज ए हीट सोर्स यूज करते हैं और उस हीट से ही वेल्डिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क नहीं बनती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये एक सर्किट है, इसमें कोई रेजिस्टेंस आर है और इस रेजिस्टेंस आर में आई करंट फ्लो हो रही है और वो करंट टी समय के लिए या टी टाइम के लिए फ्लो हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस में एक हीट जनरेट होगी और वो हीट इक्वल टू होगी आई स्क्वायर आर इंटू टी, और यही हीट जो होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एज अ सोर्स काम करेगी वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो करंट के फ्लो होने के कारण रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी और उसी हीट के थ्रू हम मेटल को मेल्ट करेंगे, गलाएंगे, फ्यूज करेंगे और वेल्डिंग करेंगे। तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी से आर्क बनाएंगे और उसी आर्क से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करेंगे, मटेरियल के रेजिस्टेंस में या रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी, उस हीट से हम लोग मेटल को वेल्ड करके, मेटल को मेल्ट करके, गला के या फ्यूज करके वेल्डिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होगा और मटेरियल के, जिस मटेरियल को जोड़ रहे हैं उसके रेजिस्टेंस का भी यूज होगा। लेजर वेल्डिंग में क्या करते हैं, लेजर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लेजर बीम जनरेट करते हैं, उस लेजर बीम के थ्रू हम लोग वेल्डिंग करते हैं, मटेरियल को वेल्ड करते हैं। तो लेजर वेल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे लेजर बीम जनरेट करने में और लेजर बीम से हम लोग मटेरियल की वेल्डिंग करेंगे। ये अभी बेसिक समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अगला हो गया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग से हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन बीम से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। देखिए ये जो भी वेल्डिंग प्रोसेस है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, इसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस के ये टाइप है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से यूज कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, ये सब में अलग अलग है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में आर्क बना रहे हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में रेजिस्टेंस में हीट जनरेट कर रहे हैं, लेजर वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लेजर बीम बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रॉन बीम बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम बनाएंगे, फिर उस इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू वेल्डिंग करेंगे। इंडक्शन वेल्डिंग में इंडक्शन जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और उस इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस समझ लीजिए, मोटा मोटा हो गया पांच प्रकार का। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से आर्क जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे मटेरियल के रेजिस्टेंस से और उस रेजिस्टेंस के कारण और करंट के फ्लो होने के कारण रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी, उस हीट का यूज करेंगे हम लोग वेल्डिंग के लिए। लेजर वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से लेजर बीम जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज वेल्डिंग करने में किया जाएगा। इंडक्शन वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे इंडक्शन प्रोसेस के लिए और उस इंडक्शन प्रोसेस का यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए। इन पांचों वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि हीट सोर्स के बेसिस पे तीन तरह की वेल्डिंग प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस और अदर वेल्डिंग प्रोसेस। इस वेल्डिंग प्रोसेस में कोई दूसरा सोर्स ही हीट सोर्स होता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती ना ही गैस फ्लेम होती है। फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं,
उस वेल्डिंग प्रोसेस को या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस को हम मेनली 5 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क बनती है, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क नहीं बनती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, इसमें रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, उस हीट से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। लेजर वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके लेजर बीम जनरेट करते हैं, लेजर बीम से वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन बीम से वेल्डिंग करते हैं। इंडक्शन वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से इंडक्शन प्रोसेस करते हैं, हम लोग इंडक्शन जनरेट करते हैं, उस इंडक्शन से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। इन पांचों वेल्डिंग में मेन हीट सोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आर्क जनरेट होगी और आर्क के थ्रू हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कई प्रकार की हो सकती है, आइए देख लेते हैं किस किस प्रकार की होती है। अभी यहाँ केवल बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की हो सकती है। इन सभी वेल्डिंग को आगे हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टीज क्या क्या इसमें होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये सब आगे हम लोग डिटेल से अच्छे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से आर्क जनरेट करेंगे, आर्क जनरेट करते हैं और उस आर्क जो हम लोग आर्क जनरेट करेंगे उसी के द्वारा वेल्डिंग करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में मेन हीट सोर्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कई प्रकार की हो सकती है। पहला होगा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, ये अभी डिस्कस हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें भी आर्क बनाई जाती है और इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा मेटल का होता है और उसमें जो भी आर्क होती है या मोल्टन मेटल होता है वो उसको सील्ड किया जाता है या वो शील्डेड होता है गैसों के द्वारा, ठीक है। अब वो गैसें कैसे जनरेट होती हैं वो आगे हम बताएंगे। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और उस मेटल के इलेक्ट्रोड के थ्रू आर्क हम लोग जनरेट करते हैं और आर्क जो जनरेट होती है उस आर्क से वेल्डिंग करते हैं और जो भी हमारा आर्क है या मोल्टन मेटल है वो गैसों द्वारा शील्डेड रहता है ताकि वो आर्क और मोल्टन मेटल एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचा रहे। तो ये केवल यहाँ भी क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, इनको डिटेल आगे पढ़ेंगे इनका अच्छे से। दूसरा हो गया कार्बन आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का यूज होता है और यहाँ पे भी आर्क जनरेट की जाती है इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। अगला होता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे भी आर्क जनरेट की जाती है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को एज ए शील्डिंग गैस यूज करते हैं। ये अभी केवल आप नाम समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, एक एक वेल्डिंग को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। तो तीसरा हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, चौथा हो गया गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग टिग वेल्डिंग और इसी को बोलते हैं GTAW, GTAW का फुल फॉर्म होगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या होगा, जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होगा वो मेटल का होगा, जो भी जिस मेटल की हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए MS की वेल्डिंग कर रहे हैं, MS प्लेट को आपस में जोड़ रहे हैं या माइल्ड स्टील को आपस में जोड़ रहे हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो मेन MS का ही बना होगा। यहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड टंगस्टन वेल्डिंग में या टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होगा वो टंगस्टन मेटल का बना होगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग, इसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रोड होगा वो टंगस्टन का बना होगा। इनर्ट गैस वेल्डिंग इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे शील्डिंग के लिए, देखिए शील्डिंग किसकी की जाती है, जो भी आर्क बनती है और जो आर्क के द्वारा जो हम लोग मेटल मेल्ट करते हैं, आर्क के नीचे का जो मेटल मेल्ट होता है उसको बोलते हैं मोल्टन पूल या वेल्ड पडल, या अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे उसको, ठीक है।
तो उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि जो भी आसपास का वातावरण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो आसपास के एयर में मौजूद है, ठीक है, और जो नमी मौजूद है उससे आर्क या मोल्टेन मेटल तुम्हारा रिएक्ट ना करे। तो इसके लिए हम लोग इनर्ट गैसों का यूज करते हैं शील्डिंग करने के लिए, उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। अभी बताएंगे आगे डिटेल में बहुत अच्छे से कि ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। तो यहाँ केवल नाम आप समझ लीजिए कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो यूज होगा वो टंगस्टन का यूज होगा, यहाँ पे भी आर्क बनेगी क्योंकि तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है ना ये, तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होगा, आर्क बनेगी। इसी का नाम होता है टिग वेल्डिंग, भी इसी को कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होगा, इनर्ट गैस यूज होगी, जैसे इनर्ट गैस हो गई आर्गन हो गई हीलियम हो गई, इस तरह से इनर्ट गैस का यूज क्यों करेंगे, शील्डिंग के लिए। इसी को टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसी को GTAW भी बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला हो गया गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, या शॉर्ट में बोलें GMAW, या बोलते हैं इसको मिग वेल्डिंग, और इसी को ही बोलते हैं मैग वेल्डिंग, ठीक है। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो मेटल का होगा, ठीक है। मेटल का मतलब अगर MS की हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील के जॉब को जोड़ रहे हैं, माइल्ड स्टील की प्लेटें जोड़ रहे हैं, या जो भी पेरेंट मेटल है वो माइल्ड स्टील का है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो माइल्ड स्टील का ही होगा, मतलब मेटल का होगा। मेटल यहाँ पे भी है लेकिन मेटल यहाँ पे फिक्स है, टंगस्टन का ही हम लोग यूज करें। यहाँ अगर माइल्ड स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील का ही हमारा इलेक्ट्रोड यूज होगा। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMAW, इसी को मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, मैग वेल्डिंग भी बोलते हैं। देखिए GMAW, मिग, मैग लगभग एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम हो गया गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस का यूज करेंगे शील्डिंग के लिए, मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और इसमें आर्क बनेगी। इस वेल्डिंग देखो नाम से समझ में आ रहा है साफ साफ, गैस का यूज करेंगे शील्डिंग के लिए, शील्डिंग किसकी करेंगे, आर्क की, और जो उसके नीचे मॉल्टन पूल होगा उसकी शील्डिंग करेंगे। मेटल का क्या होगा, मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड होगा और आर्क बनेगी, यहाँ पे आर्क के थ्रू वेल्डिंग होगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, या शॉर्ट में बोलते हैं GMAW। इसी का दूसरा नाम होता है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे हैं शील्डिंग के लिए वो अगर इनर्ट गैस है तो उसको बोलेंगे हम लोग मिग या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे हैं वो एक्टिव गैस है तो उसको बोलेंगे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जैसे हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, मेनली यही दो गैसों का यूज करते हैं, हीलियम और आर्गन। एक्टिव गैस जैसे हो गई CO2, ठीक है। तो GMAW का ही ये पार्ट है दो, मिग और मैग। अगर शील्डिंग के लिए इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मिग, अगर शील्डिंग के लिए एक्टिव गैस यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मैग। फुल फॉर्म हो गया मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो ये अभी यहाँ केवल बस नाम आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में फ्लक्स यूज करते हैं और जो आर्क होती है वो फ्लक्स के अंदर जनरेट होती है, मतलब एक तरह से फ्लक्स के अंदर डूबी हुई होती है आर्क जो बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। डिटेल में पढ़ेंगे, केवल नाम समझ लीजिए। इन सब वेल्डिंग में आर्क बनती है, ठीक है, आर्क का यूज करते हैं। फिर एक होती है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और स्लैग का यूज करते हैं, स्लैग के रेजिस्टेंस का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, गैस को प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करके वेल्डिंग की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे गैस यूज की जाती है, उस गैस को उसके गैस स्टेट से कन्वर्ट करके उसके प्लाज्मा स्टेट में ले जाया जाता है, फिर आर्क बनती है, और इसलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। नाम से समझ में आ रहा होगा प्लाज्मा। देखिए किसी भी मेटल की मेन चार स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। जब गैस को भी आयनाइज किया जाता है या उसको और ज़्यादा हीट किया जाता है या आयनाइज किया जाता है तो गैस किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा स्टेट में। तो यहाँ पे यही किया जाता है कि जो गैस यूज होती है उस गैस को हम लोग प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करते हैं,
और आर्क जनरेट करके वेल्डिंग करते हैं। ये अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो अंदर से हॉलो होता है, हॉलो, और उसमें बीच में फ्लक्स भरा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। इन सभी वेल्डिंग में हमारा आर्क जनरेट होता है, आर्क जनरेट करके ही हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मेनली 9 प्रकार की होती है, ठीक है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा कार्बन आर्क वेल्डिंग, तीसरा एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टिक वेल्डिंग इसी को बोलते हैं, या शॉर्ट में बोलते हैं GTAW। उसके बाद गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, शॉर्ट में बोलते हैं GMAW। ये दो तरह की होती है, मिग और मैग। अगर इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मिग, अगर एक्टिव गैस यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे मैग। देखिए गैस का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, गैस का यूज करते हैं शील्डिंग करने के लिए। जो भी आर्क बन रही है, जो मॉल्टन पूल है, उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, आर्क और मॉल्टन पूल को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से सील्ड करने के लिए हम लोग गैस का यूज करते हैं, शील्डिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अगला हो गया सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, फिर उसके बाद हो गया इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। इन सभी वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग आर्क को जनरेट करेंगे, ये समझ लीजिए मोटा मोटा। तो यहाँ पे हीट सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क कैसे बनेगी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग आर्क बनाएंगे, और यही जो आर्क होगी या इलेक्ट्रिक आर्क होगा वही हमारा हीट सोर्स होगा। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखिए नाम में ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और जो भी मटेरियल जिसको हम जोड़ रहे हैं उसके रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था पहले कि अगर कोई सर्किट है उसमें कोई रेजिस्टेंस आर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो उस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है, और वो हीट जनरेट का जो होती है वो होती है इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी मेटल में जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस मेटल में उसके रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगी और उसी हीट का यूज हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को जिस मेटल को या जिस जॉब को या जिस पेरेंट मेटल को जोड़ रहे हैं या जिसकी वेल्डिंग कर रहे हैं जिस मेटल की, उससे पास कराएंगे, और उस मेटल का जिसको हम मेटल को जोड़ रहे हैं जिसकी वेल्डिंग कर रहे हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जब उस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उस मेटल के रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, उस मेटल में हीट जनरेट होगी, और उसी हीट का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करेंगे, या वही हीट मेटल को मेल्ट करके करेगी और हमको वेल्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है। कि इस मान लीजिए हमको दो प्लेटें जोड़नी है, वो माइल्ड स्टील की, ठीक है। तो उन माइल्ड स्टील की प्लेटों पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे बहुत ही कम समय के लिए, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो भी करंट होगी वो बहुत ही हाई होगी, और बहुत ही हाई करंट बहुत ही कम समय के लिए पास कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा मेटल है जिसको हमको जोड़ना है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिस मेटल को जोड़ना है हमको, तो उस रेजिस्टेंस में या उस मेटल में जब हाई करंट पास होगी तो उस रेजिस्टेंस में या उस मेटल में हीट जनरेट होगी, और यही हीट क्या करेगी, हीट सोर्स का काम करेगी, और यही हीट के कारण, इसी हीट के कारण मेटल मेल्ट होगा और वहाँ पे हमको वेल्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो अभी केवल बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई प्रकार की होती है, तो इसको समझ लेते हैं कितने प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है
पहला होता है स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, इसमें केवल एक स्पॉट पे वेल्डिंग होती है। अभी केवल नाम समझ लीजिए, डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे अच्छे से बहुत। स्पॉट वेल्डिंग देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क नहीं बनती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क जनरली नहीं बनती है। अगर आर्क बनती होती तो यहाँ कहीं आर्क लिखा होता, केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज हो रहा है मेटल का, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ठीक है, आर्क नहीं बनाते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क नहीं बनती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की हो सकती है, पांच प्रकार की। पहला स्पॉट वेल्डिंग, इसमें एक स्पॉट पे वेल्डिंग करते हैं। सीम वेल्डिंग में एक सीम के लॉन्ग वेल्डिंग करते हैं। बट वेल्डिंग, ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग। पांचवा हो गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये सब किसके टाइप हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आर्क जनरली हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो हीट सोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। देखिए, विद्युत प्रतिरोध अगर हीट सोर्स है तो जनरली जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे, है तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसका प्रकार है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का प्रकार है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो ही रही है, लेकिन जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, मतलब जो विद्युत प्रतिरोध है मटेरियल का, उसी का यूज होता है एज अ हीट सोर्स। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, उसकी यूनिट होती है ओम। अगला हो गया गैस वेल्डिंग, ठीक है, गैस वेल्डिंग में जो हमारा हीट सोर्स होता है वो होता है एक गैस फ्लेम। जो गैस होती है, जो हम लोग गैस यूज करते हैं, वो एक फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब ज्वलनशील, जो जले, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग भी कई प्रकार की होती है। पहला हो गया ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करते हैं और एसिटिलीन का यूज करते हैं। जो एसिटिलीन गैस है वो फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील है, जलती है, और जलने के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है। ऑक्सीजन की हेल्प से एसिटिलीन को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं और एक गैस फ्लेम बनाते हैं। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, उस गैस फ्लेम का यूज करते हैं एज अ हीट सोर्स। उस गैस फ्लेम से हम लोग मेटल को मेल्ट करके या और फिलर मेटल को वेल्ड करके वेल्डिंग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैस वेल्डिंग। तो अगर ऑक्सीजन एसिटिलीन यूज हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। दूसरा हो गया ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, इसमें फ्लेमेबल गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन होगी वो हेल्पिंग गैस होगी, मतलब जो हाइड्रोजन को जलने में मदद करेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी यूज होगी, हाइड्रोजन भी यूज होगी, इसको बोलेंगे ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। फ्लेमेबल गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। दूसरा होगा, तीसरा हो गया ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग, यहाँ पे जो कोल गैस होगी ये फ्लेमेबल गैस है, इसको हम लोग बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसको बोलेंगे ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग। कोल गैस यूज होगी और ऑक्सीजन गैस यूज होगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग। चौथा हो गया ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग, यहाँ पे जो फ्लेमेबल गैस होगी, जिसको बर्न करेंगे, जिसको जलाएंगे, वो होगी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वेल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी गैस क्या यूज की जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजन ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग। अगली वेल्डिंग में होगा एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे फ्लेमेबल गैस कौन होगी, ज्वलनशील गैस कौन होगी, या वो गैस जो बर्न करेगी, जिसको हम जलाएंगे, वो होगी एसिटिलीन। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर के माध्यम, भाई एयर में ऑक्सीजन भी होगी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल ऑक्सीजन अलग से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, एयर में भी ऑक्सीजन होगी, जो तो जो एयर में ऑक्सीजन होगी उसकी हेल्प से एसिटिलीन को बर्न करके हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो इसको बोलेंगे एयर एसिटिलीन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग से नहीं यूज की जाएगी, एयर यूज की जाएगी, ठीक है। इस वेल्डिंग में जो हीट सोर्स होगा हमारा, एक गैस फ्लेम होगा, और जो गैस होगी यहाँ पे वो कौन सी होगी, फ्लेमेबल गैस या ज्वलनशील गैस, जैसे एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कोल गैस, एलपीजी, ठीक है, इनको हम लोग बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो ये हो गया गैस वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आती हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है,
वो प्रोसेस जिसमें ना ही इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट सोर्स यूज होता है और ना ही गैस फ्लेम, मतलब इसमें जो हीट सोर्स होगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी होगी और ना ही गैस फ्लेम, कोई दूसरा ही चीज होगा हीट सोर्स, कोई दूसरा ही हम लोग सोर्स यूज करेंगे हीट के लिए। तो थर्मिट वेल्डिंग पहला हो गया, इसके प्रकार हो गया पहला थर्मिट वेल्डिंग। तो एक होती है थर्मिट वेल्डिंग, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। रेल की जो पटरी होती हैं उसको जोड़ने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। वहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, ना ही गैस फ्लेम का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। वहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से जो हीट जनरेट होती है उस हीट का प्रयोग करते हैं हम लोग वेल्डिंग करने के लिए। ओके, तो थर्मिट वेल्डिंग में ना ही इलेक्ट्रिसिटी हीट सोर्स है और ना ही गैस फ्लेम हीट सोर्स होता है, ठीक है। तो ये अदर वेल्डिंग प्रोसेस में आ जाता है। अगला हो गया फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग में क्या करते हैं, जैसे जिन भी मेटल को, दो मेटल को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है, दो जॉब को आपस में जोड़ना होता है, तो उनको क्या करते हैं, रेड हॉट करते हैं, लाल तप्त करते हैं, हीट करते हैं भट्टी में। फोर्ज का मतलब होता है भट्टी, लोहार लोगों को देखा है ना, भट्टी में लोहे को गर्म करके फिर उसको रेड हॉट करते हैं और लाल लाल हो जाता है, तो उसको पीट पीट के उसको जो भी रिक्वायर्ड शेप होता है वो देते हैं। फोर्ज वेल्डिंग में भी यही किया जाता है, जिन मेटल को आपस में जोड़ना होता है उसको फोर्ज में या भट्टी में बहुत हीट किया जाता है, रेड हॉट किया जाता है, जब तक कि वो प्लास्टिक स्टेट में ना कन्वर्ट हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए। फिर जब वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है तब उसको क्या करते हैं, दोनों को आपस में पोजीशन में रख के हैमर से पीट पीट के दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। तो यहाँ पे भी ना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना ही गैस फ्लेम, हीट सोर्स क्या है यहाँ पे, भट्टी, फोर्ज मतलब एक तरह की भट्टी है, भट्टी में हम लोहे को या मेटल को हीट कर रहे हैं, तपा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी से वेल्डिंग हो रही है ना ही गैस फ्लेम से वेल्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे हीट सोर्स क्या होगा, फोर्ज, हीट ऑफ फोर्ज मतलब भट्टी की हीट। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो रॉड है, ठीक है, एक ये रॉड हो गई मेटल की और एक ये रॉड हो गई, इनको आपस पे इन सिरों पे जोड़ना है, ठीक है, इन सिरों पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ना ही आर्क जनरेट करते हैं ना ही कोई गैस फ्लेम बनाते हैं, ठीक है, ना ही आर्क जनरेट करते हैं ना ही गैस फ्लेम बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इन दोनों रॉड को, ये सिलेंड्रिकल रॉड हैं, उनको आपस पे इस सिरे पे और इस सिरे पे आपस में जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, ठीक है, घर्षण आप लोग जानते होंगे, फ्रिक्शन जानते होंगे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वस्तुएं हैं, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो अगर वो दोनों स्टैटिक हैं, स्टेशनरी पोजीशन में, तब भी उन पर फ्रिक्शन लगेगा। अगर उनमें से कोई एक मूव कर रही है तो भी फ्रिक्शन लगेगा, अगर दोनों मूव कर रही हैं तो भी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। मान लीजिए यही हाथ है, अपने हाथ को हम ऐसे आपस में रब करें तो फ्रिक्शन के कारण हाथ में क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन के कारण आप जानते हैं, अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। जैसे हाथ इसको आपस में रब कर रहे हैं, आपस में हाथ रगड़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, घर्षण के कारण हाथ हमारा गर्म हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, उसी वजह से हाथ हमारा गर्म हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ें आपस में हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, तो उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, ठीक है, और उसी फ्रिक्शन का यूज करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं और उसी हीट से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, अगर ये दो रॉड आपस में हमको जोड़नी है तो ना ही आर्क का यूज करेंगे ना ही गैस फ्लेम का। तो इसमें करते क्या है, एक रॉड को ऐसे ऐसे रोटेट कराते रहते हैं मशीन की सहायता से। मान लीजिए कोई चक है, स्पिंडल है, उसमें बांध दिया हमने, उसमें होल्ड करा दिया है जॉब को, और ये जॉब क्या हो रहा है हमारा, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है,
ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक जॉब ये रोटेट कर रहा है और एक जॉब जो है या एक रॉड जो है उसको ये रोटेट कर रहा है जॉब, ठीक है। एक ये जॉब रोटेट कर रहा है और दूसरे जॉब को नहीं रोटेट कराएंगे हम, केवल एक जॉब को रोटेट कराएंगे, दूसरे जॉब को इसके रोटेटिंग जॉब या रोटेटिंग रॉड के कॉन्टेक्ट पर ले आएंगे यहाँ सिरे पे, ठीक है। अब एक जॉब ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, एक स्टेशनरी है, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ये दोनों सिरों पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे सिरे पे दोनों रॉड जो होंगी, दोनों जो भी मेटल है दोनों रॉडों का, वो फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगी उसके कारण क्या होगा, मेटल हीट करने लगेगा। और जब इतना हीट कर जाएगा कि आज यहाँ सिरे के आसपास मेटल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर देके आपस में जोड़ देंगे। तब क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगी उससे मेटल क्या हो जाएगा, हमारा हीट करने लगेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी, हीट करते करते हीट होते होते ये प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इधर से हम लोग प्रेशर लगा के, इधर से प्रेशर लगा के इसको जब प्रेशर डालेंगे तो ये आपस में दोनों रॉड जुड़ जाएंगी और वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज ए हीट सोर्स ना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना ही गैस फ्लेम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों जो जॉब है या रॉड है, ठीक है, एक जॉब को रोटेट करा रहे हैं, दूसरे को उसके कॉन्टेक्ट मिला है, तो दोनों सिरे के बीच में, सिरों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट से मेटल क्या होगा, हमारा हीट करेगा, प्लास्टिक स्टेट में आएगा और फिर प्रेशर डाल के इसको हम लोग वेल्डिंग कर देंगे। एक जॉब रोटेट करता रहेगा ऐसे, ठीक है, दूसरा स्टेशनरी रहेगा, केवल इसको इस तरह से मूव होगा ये। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रही है उसी से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। अगला हो गया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगला हो गया एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, मेटल को जोड़ने के लिए या वेल्डिंग करने के लिए एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, ठीक है, आगे डिटेल में बताएंगे सब। अगला हो गया कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है, इसमें भी ना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और ना ही गैस फ्लेम। अगला हो गया प्लास्टिक वेल्डिंग, ठीक है, तो ये सब किसके प्रोसेस हो गए, अदर वेल्डिंग प्रोसेस के। अदर वेल्डिंग प्रोसेस का मतलब वो वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें ना ही इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट सोर्स यूज होती है ना ही गैस फ्लेम। थर्मिट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग, इन सभी वेल्डिंग में हीट सोर्स हमारे अलग अलग हैं। इसमें जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, इसमें फोर्ज हीट हो गई, इसमें फ्रिक्शन हो गया, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया, इसमें एक्सप्लोजन हो गया, इसमें कोल्ड प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इन सब वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं हीट सोर्स के लिए, ना ही गैस फ्लेम का यूज करते हैं हीट सोर्स के लिए। तो ये हो गई अदर वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये कई वेल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम लोग कोडिंग कर देते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये सब क्या है, वेल्डिंग के कोड हैं, शॉर्ट में वेल्डिंग के नाम है शॉर्ट में, या इनको बोलते हैं वेल्डिंग का कोड, ठीक है। तो ये एक कोड है और ये उसका इधर नाम है, तो ये केवल हम लोग समझ लेते हैं किसका क्या होता है, आगे इनको डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहला हो गया ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए या कोड बोल लीजिए, ठीक है, इधर शॉर्ट फॉर्म है या कोड है और इधर उसका वेल्डिंग का पूरा नाम है, ठीक है। तो AAW इसका फुल फॉर्म होगा एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, AHW का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है। BMAW का फुल फॉर्म होगा बेयर मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। CAW का फुल फॉर्म होगा कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये कोड है, ये फुल फॉर्म है। EBW का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, EGW का होगा इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, ESW का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, RSW का फुल फॉर्म होगा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, SAW का फुल फॉर्म होगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग,
यस, MAW का फुल फॉर्म होगा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसी का दूसरा नाम होता है SMAW का MMAW, फुल फॉर्म होगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए SMAW और MMAW एक ही वेल्डिंग है, इनके दो अलग अलग नाम है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, स्टिक वेल्डिंग। तो SMAW, MMAW और स्टिक वेल्डिंग एक ही चीज़ है। SCAW का फुल फॉर्म हो गया शील्डेड कार्बन आर्क वेल्डिंग। SW का फुल फॉर्म हो गया, ध्यान रखिएगा, स्टड आर्क वेल्डिंग। स्टड वेल्डिंग भी होती है, आगे डिटेल में समझेंगे सब। TW का हो गया फुल फॉर्म थर्मिट वेल्डिंग। देखिए थर्मिट वेल्डिंग बताया था ना कि इस वेल्डिंग में ना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ना ही गैस फ्लेम यूज होती है हीट सोर्स के लिए। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होती है। तो वहां पे हीट सोर्स क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, UW का फुल फॉर्म होगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। MIG का फुल फॉर्म होगा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। MAG का फुल फॉर्म होगा मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। TIG का फुल फॉर्म होगा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, जो लेजर वेल्डिंग बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लेजर बीम जनरेट करते हैं, उस लेजर बीम से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो आप लोग लेजर का फुल फॉर्म जान लीजिए, लेजर का फुल फॉर्म होता है लेजर लाइट होती है। ठीक है, हाईली इंटेंस लाइट होती है, अलग अलग यूज होता है इसका। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो फोटॉन होते हैं लाइट के, उनको क्या करते हैं हम लोग, स्टिमुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्टिमुलेट करते हैं। मतलब एक स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे होता क्या है, लाइट के जो फोटॉन होते हैं, देखिए लाइट जो होती है, जो भी रेडिएशन होता है, जो भी लाइट होती है, वो किनसे बनी होती है, फोटॉन से, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जो फोटॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं कि सारे फोटॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हों या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोटॉन मूव करते हैं तो जो लाइट की क्वालिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो भी रेडिएशन होता है या जो भी फोटॉन्स होते हैं, उनका जो इमिशन होता है, उसको हम लोग स्टिमुलेट करके लाइट को एम्प्लीफाई कर देते हैं, उसको इंटेंस कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। तो लेजर का फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग लेजर में क्या करते हैं, जो भी रेडिएशन का मतलब जो भी हमारे फोटॉन्स हैं लाइट के, उनका जो इमिशन होता है, वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में। ठीक है, तो उनको हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कराते हैं, या उसी को बोलते हैं स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करके हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं या उसको एम्प्लीफाई करते हैं। तो वो जो हमको लाइट मिलती है एम्प्लीफाइड करके, उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये फुल फॉर्म हो गया लेजर का। FBW का फुल फॉर्म हो गया फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, फ्लो को हम लोग जनरली फ्लो बोलते हैं। GCAW का फुल फॉर्म हो गया गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, GMAW का फुल फॉर्म हो गया गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये दो तरह का होता है, MIG वेल्डिंग, MAG वेल्डिंग। ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या MIG MAG एक ही चीज है। इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं तो MIG बोलेंगे, एक्टिव गैस यूज कर रहे हैं तो मैग बोलेंगे। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी को बोलते हैं टिग वेल्डिंग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। IW का फुल फॉर्म होगा इंडक्शन वेल्डिंग। LBW का फुल फॉर्म होगा लेजर बीम वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन, OAW का फुल फॉर्म होगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। OHW का फुल फॉर्म होगा ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। PAW का फुल फॉर्म होगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। PGW का फुल फॉर्म होगा प्रेशर गैस वेल्डिंग। RPW का फुल फॉर्म होगा रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। RSCW का फुल फॉर्म होगा रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने समझ लिया वेल्डिंग का पूरा क्लासिफिकेशन।
हीट सोर्स के हिसाब से तीन प्रकार की वेल्डिंग हुई, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग और अदर वेल्डिंग प्रोसेस। अदर में कोई दूसरा ही चीज़ एज ए हीट सोर्स यूज होता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कई प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अप्लीकेशन ऑफ वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस। ये जो भी हमने वेल्डिंग अभी क्लासिफिकेशन बताया, जितनी प्रकार की वेल्डिंग बताई हैं, तो किसका क्या उपयोग होता है, जनरल अप्लीकेशन क्या होता है वेल्डिंग का, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।